24 जून को पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के नेताओं की बैठक अपने आवास पर बुलाई थी। बैठक में जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने पर सहमति बनी, लेकिन परिसीमन को लेकर बात अटक गई। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 7 सीटें बढ़ाई जानी हैं और केंद्र सरकार का दावा था कि जब तक इन सीटों पर फैसला नहीं हो जाता तब तक चुनाव कराना मुश्किल होगा। इसके लिए परिसीमन आयोग का गठन भी किया गया है और इस आयोग की 6 जुलाई को बैठक है। तो कहां तक पहुंचा जम्मू कश्मीर में परिसीमन का काम, देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के परिसीमन का काम अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। राज्य में संसदीय और विधानसभा सीटों के परिसीमन यानी पुनर्निर्धारण की जिम्मेदारी संभाल रहे परिसीमन आयोग ने आज दिल्ली में बैठक की। बैठक के बाद बताया गया कि 6 जुलाई को आयोग जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेगा। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के साथ अलग अलग बैठकें भी की जाएंगी। परिसीमन आयोग की अध्यक्ष रंजना देसाई हैं, जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और जम्मू कश्मीर मुख्य चुनाव आयुक्त एसके सदस्य हैं। इस आयोग का गठन फरवरी 2020 में हुआ था और आयोग को 1 साल में जम्मू कश्मीर के परिसीमन का पूरा खाका तैयार कर रिपोर्ट सरकार को सौंपनी थी, लेकिन तय समय में आयोग काम पूरा नहीं कर पाया, जिसके बाद उसे 6 महीने का विस्तार दिया गया। ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि अगस्त तक परिसीमन आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार कर लेगा। इसके लिए आयोग में लगातार बैठकें चल रही हैं। 6 जुलाई को जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ बैठक कर आयोग 8 जुलाई को जम्मू क्षेत्र का दौरा करेगा, जिसमें सभी जिलों के अधिकारियों के साथ बातचीत होगी। दावा किया जा रहा है कि जुलाई के अंत तक या फिर अगस्त में परिसीमन आयोग अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंप देगा। आयोग के सदस्यों की सक्रियता कुछ ऐसा ही इशारा करती है। परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटों की संख्या 114 हो जाएगी, लेकिन इसमें से 24 सीटें पीओके के लिए आरक्षित हैं, इसलिए चुनाव 90 सीटों पर ही होगा। टीवी लाइव की रिपोर्ट।